क्या देवे या ना देवे, पर मेरे पागलो अपनी जिंदगी की डायरी में नोट कर लेना, अगर तुमने हनुमान जी की शरण पकड़ ली तो हनुमत से ही सर्व संचौर वाले तो वैसे ही महान होते हैं। लेकिन तुम लोगों के लिए आज का सौभाग्य और बढ़िया है, जिस दिन कथा शुरू हुई थी उस दिन अक्षय तृतीया थी, आज तीसरे दिन की कथा है और आज पूरे भारत विश्व में मातृ दिवस मनाया जाता। जन्म जन्म दे दो तब भी दिन कम है। सोशल मीडिया इसने प्राण खा ली, पढ़े लिखे युवान बच्चे खड़े हैं बैठे हैं। मेरे युवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, माँ तो आखिर माँ होती है। वो किसान भवती पूत कपूत हो सकता, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। की छत्र छाया मिली हो, जिन्हें माँ का आशीर्वाद मिला हो, बुरा ना मानना। हमारी कथा सुनने वाले पागलो, हम तुम्हें हनुमान का दर्शन करना है ना, हम तुम्हें जिंदा भगवान के दर्शन करा सकते हैं। वो कोई और नहीं, माँ बाप से बड़ा कोई। पिता में भी लिखा, अगर कोई सन्यासी त्रिदंडधारी आचार्य महापुरुष है, वह त्रिदंडधारी महापुरुष के सामने अगर माँ आ जाए तो दंड को बगल में रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करने की आज्ञा है। माँ तो आखिर माँ होती है, किसी की भी हो भैया, माँ तो आखिर माँ होती है। मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ के, मेरी आत्मा आज मातृत्व दिवस है, अंग्रेजी में बोले तुम्हारी तो मदर्स डे है। मदर्स डे पर केवल फोटो या पोस्ट डालकर अपना अपकार मत कर देना। केवल फोटो डाल करके तुम माँ के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हो। प्रति माँ, हम लोग प्रति माँ कर कहते हैं, पर प्रति माँ की जगह अगर राजस्थान के पागलो तुम अपने घर पर शपथ लेकर के जाना, जिस बेटा ने और बेटी ने माँ बाप को प्रसन्न नहीं किया वो भगवान को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। मातृत्व दिवस है, लेकिन मातृत्व दिवस के पावन पर्व पर हमारे प्रियजनों, हमारी आत्माओं, आज का केवल एक दिन माँ को देने से तुम ऋण नहीं चुका पाओगे। अपने जीवन का हर पल माता पिता को होते, बोलो हाँ या ना, पैदा हो सकता बोलो। और विचित्र बात देखना, हम लोग 20 साल तक माँ बाप के घर पर रहते, रातों भर एक माँ होती है। पिता कितना भी विचित्र हो पर माँ का दिल बड़ा कोमल होता है। बेटा या बेटी कितनी, पर वो रात